गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज बूलियन अलजेब्रा में हम स्टडी करेंगे हाउ कैन वी क्रिएट अ लॉजिक सर्किट। ठीक, एग्जाम में आपका इस तरह से आपको एक्सप्रेशन दिए होंगे और आपसे क्वेश्चन आएगा कि यू हैव टू क्रिएट अ लॉजिक सर्किट फॉर दैट पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो वन बाय वन हम ये फाइव एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे बूलियन सर्किट को क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है ए बी का बार प्लस सी बार डी। ठीक, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में जो है आप एज्यूम करो जो पहला स्टेटमेंट है ए बी बार, एक्चुअल में ये है क्या ए डॉट बी बार। ये जो डॉट है ये डॉट इंडिकेट करेगा एंड को, ये जो प्लस है ये इंडिकेट करेगा और को, ये क्या लिखा हुआ है सी बार डी। तो एक्चुअल में क्या है सी बार डॉट डी, ये डॉट क्या इंडिकेट करेगा एंड को, और ये जो बार आप देख रहे हो ये बार क्या है वो किसको इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा नॉट को। ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू ए डॉट बी इक्वल्स टू, ये कौन सा गेट है यहां पर एंड गेट, आप यहां पर का सिंबल बनाओगे और एंड गेट का सिंबल होता है ये। इन सेकंड केस अगर आप कहीं पर लिखा हुआ है ए प्लस बी तो वो कौन सा गेट हो जाएगा और गेट हो जाएगा, और गेट का सिंबल होता है आपका ये। और थर्ड है कहीं पर भी लिखा हुआ है ए बार तो वो कौन सा गेट हो जाएगा नॉट गेट हो जाएगा, और नॉट गेट का सिंबल होता है आपका ट्राइंगल और ये आगे बिंदु। ठीक है, अ सर्किल लाइक दैट। तो इसका फॉर्म करके हम क्या बनाएंगे लॉजिक सर्किट क्रिएट करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट जो है मेरा एग्जांपल, उस एग्जांपल में पहले क्या लिखा हुआ है ए बी बार। ठीक है, तो पहले क्या लिया मैंने, ये एक लाइन बना दी ए के लिए, ये सेकंड लाइन मैंने बना दी किसके लिए बी के लिए, और इन दोनों का मुझे क्या करना है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, यहां पर बी नहीं है, बी का बार है, लेकिन हमारा जो इनपुट होगा वो क्या होगा हमेशा बी होगा। तो बी को बी बार बनाने के लिए पहले मैं क्या लगाऊंगा, एक नॉट गेट लगाऊंगा। तो ये जो बी एक्सप्रेशन आया है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये तो ए है, ये तो ए लाइन तो ए की है, ये लाइन बी की थी, बी को मैंने यहां पर नॉट गेट लगा के बी बार बना दिया, तो ए बी बार बन गया। और इन दोनों का मुझे क्या करना है, अब एंड करना है। तो यहां पर मैंने कौन सा गेट लगा दिया, ये एंड गेट लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर जो रिजल्ट इसके बाद निकल के आएगा वो क्या बन जाएगा ए डॉट बी बार। ठीक, सेकंड यहां पर मैं लूंगा सी बार डी, तो यहां पर पहले मैंने ले लिया सी और यहां पर मैंने ले लिया डी, बट ये सी नहीं है, सी का बार है। तो सी का बार बनाने के लिए मैंने क्या बना दिया, एक नॉट लगा दिया आगे। तो ये जो सी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर ये सर्कल याद रखना कि आपको लगाना कंपल्सरी है, ये क्या बन जाएगा सी बार डी, ये सिंपली आ जाएगा। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इनका एंड लगा दिया, तो एट द एंड में क्या बन जाएगा ये सी बार डी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, मतलब इन दोनों को और करना है। तो मैं इसको ऐसे यहां पर लेके आ गया, यहां पर इसको लेके आ गया, और यहां पर दोनों को मैंने क्या कर दिया, इनका और कर दिया, और यहां पर फाइनल आपका ये इस तरह से लॉजिक सर्किट क्रिएट हो गया। ठीक है, और यहां पर फाइनली मैं लिख सकता हूं कि जो एक्सप्रेशन है मेरा वो है एफ इक्वल्स टू ए डॉट बी बार प्लस सी बार डी। इस तरह से एट द एंड में मुझे फाइनली लिखना है। आपको ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये वैल्यूज भी यहां पर लिखना है, सो दैट जो एग्जामिनर है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि आपने जो लॉजिक सर्किट है वो सही क्रिएट किया है या नहीं किया हुआ है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आइडेंटिफाई कर सकता है वो, या जितना पोर्शन आपका सही है उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकता है, वो आपको मार्क्स दे सकता है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू, वो है मेरा वाई इक्वल्स टू यू वी बार प्लस यू बार एंड डब्ल्यू बार। ओके, तो पहले यहां पर मैंने यू ले लिया, फिर मैंने यहां पर क्या ले लिया वी ले लिया, बट यहां पर वी नहीं है, वी का क्या है वी बार है। तो V के बार को बनाने के लिए मैंने यहां पर एक नॉट लगा दिया, क्योंकि ये V आ रहा था और ये V का बार बन गया। अब U V के बार का मैंने क्या कर दिया है एंड कर दिया है,
तो फाइनली जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, यूवी का बार। और हम लास्ट में करेंगे, फिर हम आते हैं यू बार और डब्ल्यू बार। तो यू ये है मेरा और ये क्या बन जाएगा मेरा, यू का बार बन जाएगा। ये मेरा वी है और यहां पर नॉट लगा दिया तो ये वी का बार बन जाएगा। इन दोनों का क्या करना है मुझे, एंड करना है, तो मैंने एंड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, यू का बार और वी का बार बन जाएगा। और इन दोनों का मुझे एट एंड में जाके क्या करना है, और करना है, तो मैंने इस तरह से इसका और करके फाइनल बना दिया। ठीक है, तो फाइनल मैंने लिख लिया वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू वी का बार प्लस यू बार एंड वी बार। ठीक है, दिस इज हाउ आई विल प्रूव द सेकेंड वन। नाउ थर्ड, थर्ड इज एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। पहले मैं इसको के लिए सर्किट ड्रॉ करूंगा, फिर एक्स बार प्लस जेड बार के लिए करूंगा और फिर देन y प्लस z के लिए करूंगा। ठीक, अब पहले क्या करना है, x प्लस y करना है, तो सिंपल है कि ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, दोनों के बीच प्लस है तो मैंने क्या कर दिया इनका और करके यहां पर इसको बना दिया x प्लस y। सेकेंड क्या है, x बार है तो x बार बनाने के लिए मैंने, सॉरी x बार है तो x बार पहले x ले लिया फिर नॉट लगा दिया तो ये बन जाएगा x का बार। फिर ये मेरा z हो गया, z में भी मैंने नॉट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, z का बार। और इन दोनों का फिर मैंने क्या कर दिया, और कर दिया, जब और कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, x का बार और z का बार बन जाएगा। थर्ड क्या है, y प्लस z, तो ये मेरा सिंपली y हो गया, ये सिंपली मेरा z हो गया और इनके बीच प्लस है तो मैंने क्या कर दिया, इनका और कर दिया। अब ये सारे रिजल्ट आएंगे एंड में, ये a डॉट बी डॉट सी है तो तीनों का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, तीनों का एंड कर दिया और यहां पर मैंने लिख लिया एफ। ठीक है, और एफ इक्वल्स टू, आप ये स्टेटमेंट यहां पर पूरा लिख सकते हो, स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने इसको यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो दिस इज द लॉजिक सर्किट ऑफ योर थर्ड स्टेटमेंट। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक्स डॉट वाई बार फिर उसका होल बार प्लस एक्स बार, सॉरी जेड बार प्लस डब्लू। तो पहले तो मैंने ले लिया यहां पर एक्स, फिर मुझे बनाना है वाई का बार, वाई का बार मैंने इस तरह से बना दिया, वाई का बार हो गया। ठीक है, इनका मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया, तो ये जो एंड में बना वो क्या बना, एक्स डॉट वाई बार, बट ये एक्स डॉट वाई बार नहीं है, ये उसका भी बार है। तो यहां पर मुझे क्या पड़ेगी, एक और नॉट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये जो नॉट की रिक्वायरमेंट है वो क्या करेगा, x डॉट y के बार को क्या कर देगा, इसके ऊपर एक और बार ऐड कर देगा। ओके, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड है मेरा z, नॉट लगा दिया तो ये बन जाएगा z का बार, ये w तो सिंपल w ही है, तो इन दोनों का क्या करना है मुझे, और करना है, तो मैंने क्या कर दिया, इनका और कर दिया, तो यहां पर क्या फाइनली आ गया मेरा, Z बार प्लस W आ गया। ठीक, फिर फाइनली मैंने क्या कर दिया, इनको ऐसे काउंट कर दिया, या आप इसको इरेज कर देना यहां से, इनके बीच प्लस सिंबल है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इनका और करना है, तो यहां पर मैंने और कर दिया इस तरह से, यहां पर मैंने लिख लिया Y, और आप लिख भी सकते हैं यहां पर, तो फाइनल रिजल्ट हो गया मेरा। तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए लॉजिक सर्किट क्रिएट हो जाएगा। एंड फाइनल लॉजिक सर्किट है ए बी, तो ये सिंपल ए बी मैंने बना दिया, ए बी कर दिया, उसका एंड कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरा ए बी। सेकंड है ए देन सी का बार, तो सी का बार हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सी बार, और इनका मैंने क्या कर दिया यहां पर, ये एंड बना दिया और ये बन जाएगा ए सी बार। और थर्ड क्या है, बी बार ए सी, तो बी बना लिया, बी में नॉट लगा लिया तो वो बन जाएगा B बार, देन बन जाएगा A, देन बन जाएगा C, और B बार A C, इनका बना दिया मैंने क्या, नॉट, तो ये बन जाएगा B बार A C। अब इनके बीच क्या है, प्लस है, इट मीन्स क्या करना है मुझे, इन तीनों का और करना है, तो इनका मैंने क्या कर दिया, और कर दिया, तो यहां पर y इक्वल टू आप स्टेटमेंट को लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एट द एंड में एक सर्किट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, टुडे हमने डिस्कस किया कि हम कैसे किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के लॉजिक सर्किट क्रिएट कर सकते हैं।
ये फाइव मैंने आपको बता दिए। अब नोट डाउन करना है आपको अपना होमवर्क, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑल जो लॉज है, जितने भी लॉ आपने पढ़े हैं, उनका लॉजिक सर्किट आपको बनाना है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चाहे वो एसोसिएटिव हो, चाहे वो डी मॉर्गन हो, जितने भी लॉज आपने लिखे हैं और जितने भी लॉ है उनके लॉजिक सर्किट आपको क्रिएट कर बनाने हैं, ठीक है, आपको डेवलप करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको लॉजिक सर्किट की या तो ट्रुथ टेबल क्रिएट करनी होती है या तो उसका लॉजिक सर्किट क्रिएट करना होता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स में बता दी थी प्रूफ करना, बट आपको जो लॉजिक सर्किट है वो आप उसको क्या करोगे, क्रिएट करोगे, जो भी आपका वट एवर लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, काइंडली नोट डाउन एंड यू हैव टू मेक ऑल दिस इन योर कॉपीज एज वेल। Thank you, student, and keep learning.